आईपीएल क्रिकेट कम और सट्टेबाजी ज्यादा है। अगर कोई आपसे ये कहे तो जाहिर है कि उसकी बात आपको और बाकी क्रिकेट प्रेमियों को बहुत बुरी लगेगी, मगर असलियत तो किसी से छुपी नहीं है। असलियत ये है कि मदारी जब खेल दिखाता है तब बच्चे तो उसे देखकर बहुत एंजॉय करते हैं, पर मदारी के छोड़े हुए जेब कतरे खेल की आड़ में भीड़ में अपना काम कर जाते हैं। तुम खेल देखते रह जाते हो और जेब कतरे तुम्हारी जेब खाली कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस आईपीएल में कौन है मदारी जो उस खेल को खिलाता है और किस तरह से उस मदारी के जेब कतरे आपकी जेब को साफ करते हैं, और स्पॉट फिक्सिंग का बंदर राज आखिर होता क्या है, आपके दोस्त अरविंद अरोड़ा के साथ। चैप्टर 1, मदारी का खेल, स्पॉट फिक्सिंग। सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये स्पॉट फिक्सिंग होती क्या है, और स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग में क्या डिफरेंस होता है, और ये की कैसे जाती है। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल मैच के रिजल्ट्स को अपने खेल से बदलने की बजाय पहले से फिक्स रिजल्ट्स को जानबूझकर लाने के लिए जो अवैध तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसे फिक्सिंग कहते हैं। ये स्पॉट फिक्सिंग शब्द कुछ साल पहले ही चर्चा में आया था। यहां ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, क्योंकि मैच फिक्सिंग में तो पूरा खेल ही पहले से तय होता है, पर स्पॉट फिक्सिंग में कोई भी टीम या खिलाड़ी मैच के सिर्फ उस हिस्से में धांधली करता है जो स्पॉट फिक्स किया जाता है। यानी किसी ओवर की किसी गेंद पर जानबूझकर वाइड बॉल फेंकना या नो बॉल फेंकना। यही नहीं, स्पॉट फिक्सिंग एक क्रिकेटर और एक सट्टेबाज के बीच आपस की अंडरस्टैंडिंग से की जाती है, जिसके मुताबिक एक क्रिकेटर को सट्टेबाज द्वारा लगाई गई सट्टेबाजी के हिसाब से ग्राउंड पर परफॉर्मेंस देनी होती है। स्पॉट फिक्सिंग में क्रिकेटर किसी खास ओवर में पहले से तय किए गए रन ही देता है। ये जरूरी नहीं है कि स्पॉट फिक्सिंग मैच के नतीजे को भी इफेक्ट करे, पर फिर भी ये क्रिकेटर बुकी से पैसा कमा लेते हैं और बुकी खुद भी बहुत अच्छा पैसा छापते हैं, लेकिन लुटता है तो सिर्फ एक आम आदमी। इंडिया में फिक्सिंग इलीगल है, पर कई देशों में इसे मान्यता मिली हुई है, और उन्हीं देशों में सटोरिए बैठे होते हैं जो टीम के किसी भी प्लेयर के साथ मिलकर स्पॉट फिक्सिंग कर लेते हैं। लोगों का पैसा डुबाने के लिए सटोरिए एक डिफरेंट गेम ही खेलते हैं। कैसे? सटोरिए किसी बॉलर को नो बॉल फेंकने के लिए कहते हैं। उधर मार्केट में लोग सट्टा लगाते हैं कि ये नो बॉल नहीं होगी। सट्टा लगवाने वाले उस वक्त एक रुपए का 100 या 500 का भाव कर देते हैं। प्लान के मुताबिक बॉलर नो बॉल फेंक देता है और लोग अपना लगाया हुआ पैसा हार जाते हैं। चैप्टर 2, आईपीएल में मदारी के बंदर। स्पॉट फिक्सिंग के सबसे पहले आरोप लगे थे भारत के तेज गेंदबाज श्रीशांत पर। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने आईपीएल 2013 में अपनी कमर में गमछा बांधकर सट्टा लगाने वालों को ये इंडिकेशन दिया था कि वो अगले ओवर में 14 या उससे ज्यादा रन देने वाले हैं। ऐसे इंडिकेशन पर सट्टा लगाने वाले सट्टा लगाते हैं, जिसके बाद सट्टा लगवाने वालों को जो फायदा होता है उसका एक बड़ा शेयर इन क्रिकेटर्स को दे दिया जाता है। आईपीएल 2013 स्कैम की जांच में आगे चलकर कई नए खुलासे हुए थे, तब जाकर पता चला था कि देश में क्रिकेट को चलाने वाले कुछ नामचीन लोग भी इस स्कैम में शामिल हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आईपीएल को क्रिकेट कम और सट्टेबाजी ज्यादा बेवजह नहीं कहा था। साल 2013 में सिर्फ श्रीशांत के मैच में ही स्पॉट फिक्सिंग नहीं हुई थी, बल्कि उस साल मुंबई में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मैच में, 5 मई को जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और पुणे वॉरियर्स के मैच में, 9 मई को मोहाली में राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच हुए मैच में भी स्पॉट फिक्सिंग की गई थी। चैप्टर 3, मदारी के जेब कतरे। स्पॉट फिक्सिंग का जब खेल खुला तो एंटी एक्सटोर्शन सेल ने बुकी सोनू जालन को मुंबई में दबोच लिया। तब छानबीन में सोनू के घर से एक डायरी मिली थी, जिसमें बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान और कई बॉलीवुड हस्तियों, बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम का खुलासा हुआ था। डायरी में 100 से ज्यादा सटोरियों के मोबाइल नंबर्स भी मिले थे। बुकी सोनू जालन आईपीएल में सट्टेबाजी रैकेट का सबसे बड़ा सरगना था। इतना ही नहीं, सोनू जालन की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए उसका ही नतीजा है कि आईपीएल स्कैम के आरोपियों में आईपीएल चलाने वाले और उसे खेलने वालों के अलावा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम भी शामिल थे। और तो और, सोनू की डायरी में पाकिस्तान के एक बड़े नेता का नाम भी था। चैप्टर 4, खेल का असली मदारी, पैसा और कांड।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैम में 600 से 1000 करोड़ रुपए तक का लेन देन हुआ था। और जब जांच आगे बढ़ी तो एक्स बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के सन इन लॉ गुरुनाथ मयप्पन को भी अरेस्ट किया गया था। कहा यह जाता है कि मुंबई की फोरेंसिक लैब में मयप्पन और विंदु दारा सिंह के बीच बातचीत का जो टेप सामने आया था वो श्रीनिवासन के सन इन लॉ मयप्पन का ही है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में 42 आरोपियों के नाम है, उसमें से 6 फरार हैं। अब आप ये खुद तय करिए कि भागता कौन है, चोर ही भागता है ना। जैसा कि मैंने मदारी और जेब कतरों का एग्जाम्पल देकर बताया था, यहां मदारी तो भाग गया, बेचारे जेब कतरे पकड़े गए। चैप्टर 5, आईपीएल कांड में जांच का दिखावा और फलता फूलता स्पॉट फिक्सिंग। हमने जब आईपीएल की इस कांड की रिसर्च की तो हमें स्पॉट फिक्सिंग रोकने के लिए बीसीसीआई क्या कदम उठा रही है इसकी ज्यादा जानकारी मिली ही नहीं, जिससे ऐसा लगता है कि स्पॉट फिक्सिंग को रोकने के लिए बीसीसीआई अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। इस मामले के बाद 2013 में बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने स्पॉट फिक्सिंग को रोकने के लिए कुछ प्रस्ताव दिए थे, जिसमें हाईटेक सुरक्षा से जुड़े यंत्र और स्नूप यानी कि जासूसी वाले डिवाइस मांगे गए थे, जिनसे खिलाड़ियों और अधिकारियों पर करीबी नजर रखी जा सकती थी। लेकिन उस समय खुद बीसीसीआई के ही कुछ अधिकारियों का कहना था कि इन स्पाई कैमरों से खिलाड़ियों और अधिकारियों की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, जिसकी वजह से स्पाई कैमरे लगाने का आइडिया ठंडे बस्ते में चला गया। और जब स्पॉट फिक्सिंग रोकने को लेकर फिर से देश में सवाल उठने लगे, तब सरकार ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। इसके 6 साल बाद यानी साल 2019 में बीसीसीआई के एक अधिकारी ने मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए कोई ढंग का उपाय सोचने की बजाय सट्टेबाजी को ही लीगल करने का सुझाव दे दिया। आईपीएल के इस बंदर नाच का कंक्लूजन। 2013 के इस मामले के बाद अभी भी हर साल क्रिकेट पर करोड़ों रुपए के सट्टे लगाए जाते हैं, जो भारत के रक्षा बजट के बराबर है। और आईसीसी के मुताबिक भारत ही इन सट्टेबाजों का गढ़ बन चुका है। हर साल भारत में 40,000 करोड़ रुपए और हर मैच में 200 करोड़ रुपए का सट्टा लगाया जाता है। पर अब सवाल ये है कि आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब। जो खेल पूरे देश को एकजुट करता है, उसी खेल को आज सट्टेबाजों ने अंदर से खोखला कर दिया है, जिसके चलते अब क्रिकेट अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है। इसलिए क्रिकेट जैसे खेल को अंदर से खोखला करने वाली इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार को कदम उठाना जरूरी है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और आगे किस टॉपिक पर आप हमसे एनालिसिस या वीडियो चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी इस नई शुरुआत को लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।